नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ गुमसंग लगांग और आप देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। जैसे कि आज हम आए हैं राजा नगर पे, जहाँ MLA उम्मीदवार निक कमिंग को मिलने आए हैं, जहाँ हम बात करेंगे उनसे साथ, उनके साथ चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेके हम वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू सर। सबसे पहले डायरेक्ट हम मुद्दे में ही बात करते हैं कि आप सबसे पहले तो आज आपका यहाँ पे इतना बड़ा सा पार्टी रखा आपने, काफ़ी लोग आए हैं, करीब शायद 4,500 लोग आए हैं, तो ये देख के सर आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, जो जनता का भी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं लेकिन सभी लोग BJP टिकट, आप भी BJP के पीछे दौड़े हुए हैं, या आप NPP जो कि आप लास्ट टाइम उठे हैं, या अन्य कोई इंडिपेंडेंस से आप निकले सोच रहे हैं? देखिए, जो कमज़ोर लोग होता है वो टिकट के पीछे दौड़ता है। मैं तो अपना लोगों के पीछे दौड़ रहा हूँ, उनका सोच में उतार सकने के लिए। अगर लोग मेरा पास है टिकट, मेरे पीछे दौड़ेगा, मैं टिकट के पीछे मैं दौड़ूंगा नहीं, टिकट मेरा पीछे दौड़ेगा, मैं लोगों का पीछे दौड़ूंगा। ओके सर, तो इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहेगा सर, काफ़ी अफवाह है और आपके जो स्पीच के दौरान भी हम सुने हैं कि एक किसी ने बोला कि आपको खास करके बोडुमसा से जो सिंफो समुदाय के लोग रहते हैं उनके वोट नहीं होने से भी आप जीतेंगे। ये लास्ट टाइम से आपका जब 2014 इलेक्शन थे, 2019 इलेक्शन थे, उस समय से मतलब चर्चा में था, तो आज के दिन भी सर ये सुनने को आया है कि सिंफो वोट नहीं होके भी हम जीतेगा बोल के, तो ये कहाँ तक सच है सर? ये तो राजनीति में राजा का वोट और ये फकीर का वोट वैल्यू बराबर होता है जी। तो सिंफो का वोट कौन सा कम है जो मैं नहीं चाहेगा बोलेगा? ऐसा तो जिसका जो मैंने क्या बोले, इसके लिए कोई और नहीं है। और सिंफो रहा सवाल यहाँ दाइन बोर्डोमसा में, स्पेशली सिंफो यहाँ का मालिक है, जगह का मालिक है, पानी का मालिक है, हवा का मालिक है। मैं सिंफो का घर में जाकर मालिक को अगर मैं नहीं चाहेगा बोलेगा तो मेरा वजूद कहाँ रहेगा? ये विश्वास करने का कोई मैंने वजूद नहीं है। और जो लोग बोलते हैं उनको मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, उनका बुद्धि खुले, ज्ञान खुले, बोलना है तो कुछ हट के बोलिए, लोग सुन के अच्छा लगेगा या विश्वास करेगा। ये तो विश्वास का चीज़ है ही नहीं। और आप खुद सोचिए, आपको विश्वास लगता है MLA कॉन्टेस्ट करने वाला सिंफो का बूथ, वो भी एक में नहीं हज़ारों में है, उसका बूथ नहीं चाहिए? ऐसा तो हो पॉसिबल नहीं है। और मुझे तो सपना में भी नहीं है, मेरा मुंह से आवाज़ निकलना तो आप छोड़ दीजिए, सपना में भी मेरा ऐसा नहीं है। जैसे कि विश्वास तो नहीं आते हैं कि एक विधायक जो चुनाव के उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं वे किसी का वोट नहीं चाहिए बोल के, लेकिन सर यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, बहुत लोगों का मतलब डिलेमा में है लोग कि वाकई में सिंफो वोट नहीं चाहिए क्या, कि आपका जो लास्ट टाइम का इलेक्शन है वहाँ भी सिंफो लीडर्स आपको आपके साथ नहीं दिखाई दिया, तो इस बार भी अभी तक सिंफो लीडर्स नहीं दिखाई दिया बोले, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है, तो सर इसका ऊपर क्या कहना है आपका? नहीं, लास्ट टाइम मेरे साथ में सिंफो लीडर नहीं था, ऐसा नहीं है, था जो पिगर में है वो नहीं है। मैं आपको बोला, मैं सिंफो हो या कोई भी जाति हो, अमीर का पीछे तो मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि अमीर को कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो गरीबों का पीछे घूम रहा हूँ, जिसको मेरा सहारा का ज़रूरत है। सिंफो समाज है, जो भी समाज हो, जो पिछड़ा हुआ है, जो बिलो पॉवर्टी के नीचे है, उनका पीछे मैं दौड़ता हूँ। जो मैं गली में घूमता हूँ तो मुझे दिखाई कहाँ देगा, मैं उन लोगों के साथ घूमता हूँ। इलेक्ट हुआ हूँ और मेरा साथ में आपका लाजाला सिंफो यहाँ का एक सीनियर मोस्ट लीडर है, मैंने आज मेरा रिसेप्शन में भी बोला है, दायन एरिया का डेवलपमेंटल पैकेज उसका हाथ में मैं पूरा छोड़ता था, मैं एक पैसा भी नहीं छुआ। उन्होंने जिस प्रकार से बनाया उस प्रकार से मैंने अप्रूव करके काम किया 5 साल। मेरा बोला हुआ कोई विश्वास नहीं करता है तो ऑफिस में डॉक्यूमेंट है वो देखने से होगा क्योंकि वो इनो बस्ती तो मेरा ईटानगर में तो है ही नहीं, बोन सा में नहीं है, इनो बस्ती तो दायुन में है, तो इनो बस्ती में कितना पैसा का 5 साल में मेरे अतिरिक्त में काम है, वो ऑफिस में आपको जाने से मिल जाएगा। ऐसे पॉलिटिकली अफवाह करेगा वो बोलते रहेगा क्योंकि मैं चोरी करता नहीं हूँ, मुझे वो लोग बोलने का कोई जगह नहीं है। बहुत धुंधा नहीं मिला तो उन्होंने एक निकाल दिया, सिंफो समाज का बहुत नहीं चाहे, ये विश्वास करने का चीज़ ही नहीं है। ओके सर, और लोगों का और भी कहना है सर, जैसे कि आज 1-to-1 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे हैं सर, इसलिए कुछ पॉइंट है सर जो आपके साथ, हम लास्ट इलेक्शन में जब विजेता हुआ उसके बाद
गिने चुने लोगों को सिर्फ काम दिए हैं, गिने चुने लोगों को करोड़पति बना दिए हैं, लेकिन आम जनता जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको नहीं देखे हैं बोल के सर, ये भी एक लोगों का कहना है सर। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं सिर्फ जो धनी है उनके पीछे नहीं, मैं जो गरीब है उनके पीछे जाता हूँ, तो इसका ऊपर क्या कहना है सर? यही तो हंसने का बात है आपका। यहाँ में वी डू एपोलॉजी फ्रॉम एक्स मिनिस्टर, ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर श्री सिंह को, उन्हें यहाँ का लोगों ने, सब जनजाति ने मिल के 25 साल MLA बनाया, और वो आई थिंक अगर मैं गलती नहीं हो तो 20 साल तो मंत्री में ही था। तो मंत्री में आपका जो उस समय का डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखिए, सिंगपो समाज को हम किसी का अगेंस्ट में नहीं है, जो सच है मैं बोल रहा हूँ, आपका यहाँ का सिंगपो समाज का गिना चुना परिवार करोड़पति है। आपको सुनकर ताजुब होगा, जो करोड़पति है जिसका आपका स्कॉर्पियो है, फॉर्चुनर है, वो लोग का ये BPL रेशन कार्ड होता था, आप सोच के देखिए, CGI सीट का बेनिफिशियरी वो लोग का था। लेकिन सही मायने में जो सिंगपो मेरा भाई बहन परिवार जो जिसका घर छत नहीं है, वो जैसे तैसे पता से उनको मिला नहीं, 25 साल में नहीं मिला। तो मैं बोलूँगा तो मुझे बोलेगा ये पॉलिटिकली बोलते नहीं, ये सच है, आप ऑफिस का रिकॉर्ड को देख लीजिए। और मेरा समय में ऐसा कोई समाज, मैं नहीं कर रहा हूँ कि सबको दिया, मेरे पास जितना होगा उसको तो देगा, उसको मेरा साथ जितना था CGI सीट जो MLA लेद मेरे मुझे पैसा मिलता था, मैं और खास लोगों को भी रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको मत मांगे, मैंने CGI सीट में लेके सब परिवार को, सब समाज को, जितना मेरा ओरकर्स है हर समाज का ओरकर्स को बुला के अपना अपना समाज में आप जिसको ज़रूरी है उसको बांटने के लिए इंस्ट्रक्शन के साथ मैंने काम लगा। और सिंगपो समाज में जो मेरा साथ काम कर रहा था सिंगपो लीडर्स ओरकर्स, कुछ गलती हो गया तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो गलती करो या मैं करूँ, MLA मैं हूँ तो मुझे बदनाम तो लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर है कि गरीबों को मिलना है। जिसका RCC है उसको तो CGI सीट का कोई ज़रूरी नहीं है, CGI सीट उसको ज़रूरी है जिसके छत में आपका तारे दिखाई देता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखते हैं सर। काफ़ी लोगों का सर ये कहना है, और जो कि खास करके हमारे बॉटम सर दायुन के लोगों का कहना है सर, खास करके कि निक कमिंग के जो खास कार्य करता है तो उनको, उनका तरफ से दो बार हमें धोखा दिया गया है बोल के, मतलब कहा गया है। जैसे कि एक है किसान सभा कार्ड, जो कि वीरभद्र किसान सभा कार्ड जो हाल ही कुछ लास्ट ईयर हुए थे, और हाल ही में एक चर्चा चल रहा है कि लोन स्कैम को लेते हुए, तो लोगों का ये कहना है कि हाँ वो खास करके निक कमिंग का खास कार्य करता है, जो ये का ऊपर सर क्या कहना है आपका? देखिए, इसलिए तो मुझे बहुत हंसी लगता है दायन बोरदुमसा का लोगों को, जिन लोगों को दायन बोरदुमसा लोगों ने विश्वास किया वो लोग दबाव, ये आपका वो ब्रिटिश रूल से भी खराब से दबा कर रखता है। जो आदमी बेनिफिशरी का जो बात करता है, किसी को बेनिफिट देना ये गलत है क्या? अगर किसान सभा का नाम है, वेल नोन है किसान सभा जो वेबसाइट है ये सारा, मैं क्या बोलेगा, आप खुद गूगल में मार लीजिए दिखाई देगा, वो किसान सभा का वेबसाइट होता है कि किसान किस प्रकार से अपना खेती को बढ़ावा दे सकना है टेक्नोलॉजी के बेस में, ये उसमें था। उसका जरिए हम लोग ग्रुप बनाया था, बना के हम लोग जितना NGO से, गवर्नमेंट का तरफ से हो, कॉरपोरेट लोगों का तरफ से हो, जितना NGO का तरफ से हम लोग यहाँ का किसान का हित के लिए, मदद के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहा था। यहाँ घुमा देखा, वो लोग सॉरी फील किया, यहाँ तक किसान सभा तो छोड़ दीजिए, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए आया था, वो आपका गूगल में मारने से वो निकल जाएगा। वो NGOs वर्ल्ड का फेमस NGO, इंडिया का तो नंबर वन NGO है, वही करता है। आप साउथ में जाइए, कितना गरीबों को घर बना के दिया। तो उन लोगों को यहाँ का मैं विधायक नहीं बोलूँगा, जो भी हो यहाँ जो चला रहा है, आप देखिए अभी आपने, आपको विधायक उनका, आपका लोगों का तकलीफ को देखना आपका ड्यूटी है। अगर आप नहीं सकता है, कोई अगर आपका लोगों को मदद कर रहा है, ये कोई क्राइम तो नहीं है? मदद करने वाला को आप केस में फंसाता है, अरेस्ट करेगा बोलता है, वो सुनकर NGOs लोग तो भाग गया। तो फिर भी मैंने उनको घर में, उन लोग का ऑफिस में जाकर, हेडक्वार्टर में जाकर एपोलॉजी दे के मैंने रिक्वेस्ट, वो बोला कर नहीं, जब तक ये DC विड्रॉ नहीं करेगा हम लोग नहीं जाए, क्योंकि हम लोग तो लोगों को मदद करने जा रहा था, जिसका घर नहीं है घर देने जा रहा था। किसान सभा का वेबसाइट में था,
वो हम जेल अगर मदद करके जेल जाना है तो अरुणाचल में हम लोग काम नहीं करेगा, ये लोग बंद कर दिया। फिर भी हमने बहुत सारे एनजीओस को मैंने रिक्वेस्ट किया, अभी एक एनजीओ से हाल ही में वो लोग एक्सेप्ट किया है और फर्स्ट टाइम वो लोग अभी तक जितना इनरोलमेंट किया है 84 लाख वो लोग एक्सेप्ट सेंक्शन किया है। तो इंडिया लेवल से तो हम लोग उधर से लेके आया, अभी अरुणाचल का ऑफिस का लेवल में कुछ काम कर रहा है टेक्निकली, क्योंकि यहाँ आप अच्छा काम भी नहीं कर सकता बोर्डुमसा में, उसके लिए फिर हमको पूरा वो नियम का साथ करना, नहीं तो कब का पैसा आके किसानों को मिल जाना था और सेकेंड पेज भी मिलना था। जैसे नॉरकॉम आपको बताकर हमको खुशी लगा, अगर नॉरकॉम 18 ईयर्स का स्कीम था, मैंने चला गया, हम सबको बताया था नॉरकॉम देखिए हमको हराना मत, आपको तकलीफ होगा, हमने किया वो लोग नॉरकॉम को भगा दिया। ये अच्छा होने से आपका 18 ईयर्स का था, जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस को देख के फर्स्ट है 6 ईयर्स देन 12, क्योंकि 18 ईयर्स तक तो काफ़ी आदमी को अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही किसान सभा का नाम में ये प्रोजेक्ट हम लोग एक ग्रुप बनाया था, किसान सभा को यूज़ किया था कि एक ग्रुप हो, पहचान मिले, ताकि उनका द्वारा लोग भी लोग दायन बोर्डुमसा का जितना भी किसान है उनका तकलीफ को मालूम हो, उनको क्या मदद किया जा सकता है, ये हम लोगों ने प्रोसेस किया था। लेकिन दुख का बात है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या यहाँ का विधायक बोलो, यहाँ जो चला रहा है तो उन्होंने करने नहीं दिया, उसको केस दे दिया, शायद आपको भी मालूम होगा केस दे दिया, वो बंद हो गया। तो फिर भी अभी दूसरा एनजीओ से कुछ पैसा दिया, वो अरुणाचल गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ आके आपको ही बुला के मैं बातूंगा पैसा को। सर तो ये लोन स्कीम जो है सर, लोन स्कीम का बारे में सर कुछ? लोन स्कीम का बारे में वो तो मुझे पता नहीं है, ऐसे तो होता नहीं लोन, और लोन जैसे आपस में आप और हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग में, जैसे आपको तकलीफ हुआ हमने मदद किया, हमको तकलीफ हुआ तो उसके लिए तो अगर एक दूसरे का मदद में भी, यहाँ तो सब गरीब है, मदद को भी अगर किसी का मदद किया हो आप देख ही नहीं सकता है तो आप कैसे बोल सकता है कि मैं यहाँ का MLA हूँ? अब ये तो मेरा सोच ताज्जुब लगता है, मेरे पास कोई और नहीं है जिस प्रकार से वो लोग कर रहा है, जो जो लोग कुछ करना चाहता है उसको जेल डालेगा बोलता है। आप बाकी छोड़ दीजिए, आप एक जर्नलिस्ट का तो आप घूम रहा है सबका तकलीफ देखता है, आप कल इस किसी को मदद करने निकलो आपको भी अरेस्ट करेगा। इसलिए मैं आपको भी वार्न करता हूँ दायन बोर्डुमसा में ये जब तक ये शासन चल रहा है आप किसी को मदद मत करो और मदद मांगो भी मत, आप मदद करने से भी आपको अरेस्ट करेगा और मांगने से भी अरेस्ट करेगा, ये तो दुनिया का अनोखा शासन है यहाँ। ओके सर, सर इसी दौरान और एक क्वेश्चन रखना चाहेगा, अभी हमारे पास और 3 क्वेश्चन है इसके बाद। सर जैसे कि आपके एक वीडियो क्लिप्स ने हमने देखा था कोई दायुन में कि जो फिलहाल का जो विधायक है उनका बराबर में तो मैं कुछ काम नहीं किया हूँ अभी तक बोल के, और जितने भी काम लाए गए हैं बोर्डुमसा में, जितने भी स्कीम लाए गए हैं, जो अभी फिलहाल का जो विधायक काम कर रहे हैं वो आपका लाया गया वाला स्कीम है बोल के, इसका ऊपर सर क्या कहना है? देखिए मैं आज भी बोला हूँ, जैसे मुझे लोग विश्वास किया MLA बनाया, मुझे बनाया ही है उन लोगों का दुख सुख में बांटने के लिए, डेवलपमेंट काम करने के लिए। मैं जो कर रहा हूँ बस्ती वाला को मालूम है, मैं लोगों को क्यों बोलता फिरूँ कि मैं ये किया वो किया, मेरा ड्यूटी था मैंने किया, जिन जिन लोगों के लिए मैंने किया उसका फर्ज बनता है कि ये सार का समय में ये रोड को बना दिया, हम लोग को ये दुख तकलीफ को मदद किया, उसको बोलना है। तो मैं खुद MLA है, मेरा मैं खुद प्रोमिस किया कि आपके लिए काम करूँगा, तो काम प्रॉमिस करके अपना प्रॉमिस को काम किया होगा, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करके घूमूंगा, मैं उस टाइप का लीडर नहीं हूँ। मेरा तो सीधा सा है, लोगों के लिए काम आना चाहिए, अगर मैंने कुछ अच्छा किया लोग मुझे उसका रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए, लोगों का मुंह से निकलना है कि नीह कामिन साहब ने ये काम किया, नीह कामिन साहब ने ये काम नहीं किया, मैं खुद बोलूँगा तो वो सुनने मैंने काम किया या नहीं किया। मैं भी सुना हूँ, मेरा उसी स्पीच को लेकर वो अपना भाषण देता है कि नीह कामिन साहब खुद बोला है 0 है, तो वो खुद बोल रहा है कि ये आपका वो गेट से उधर तक का रोड बन रहा है ये डेवलपमेंट है, बोलता नहीं, मैं बोलता वो तो चलते रहेगा, आप बनो या हम, वो चलते रहेगा डेवलपमेंट है, आप किस प्रकार से आपका लोगों को प्यार दे सकता है, किस प्रकार से आपका लोगों को आपका एरिया में शांति रख सकता है, भाईचारा बनाकर रख सकता है, ये है असली डेवलपमेंट। ओके सर, इसी दौरान अभी एक क्वेश्चन और होगा सर, जैसे कि सर आपने कहा था कि डेवलपमेंट तो चलते रहेगा, तो सर काफ़ी लोगों का एप्रिसिएशन भी है आपको लेते हुए, ये खास करके हमारे जो आदिवासी समुदाय है उनका खास करके एप्रिसिएशन है कि आपके कार्यकाल के दौरान उनको उनको ये रेशन कार्ड वगैरह मिला गया, और साथ ही साथ में उनका जो बिरसा मुंडा ग्राउंड है वो दिया गया। लेकिन सर
ऑन द अदर हैंड जैसे कि अभी आपने कहा कि डेवलपमेंट तो चलते रहेगा, तो सर और किसी लोगों एक सेक्शन ऑफ पीपल का ये भी कहना है कि लैंड है, माटी है, तो उसमें सिर्फ आपने एक घर बना दिया और कह दिया कि मतलब ये मैंने आदिवासी का बिरसा मुंडा ग्राउंड दिया है बोल के, तो इसका ऊपर क्या कहना? देखिए इसलिए मैं सुन के बहुत अच्छी लगता हूँ, बिरसा मुंडा ग्राउंड मैंने नहीं बनाया, आदिवासी लोग खुद बनाया, क्योंकि मैं सिर्फ MLA मुझे मैं बना दिया तो मैंने सेंक्शन उन लोग को मदद किया सेंक्शन पाने में, ताकि उन लोग का जो भी पांक्शन हो कर सकने के लिए। पब्लिक खुद बनाता है, लोग यही तो पब्लिक का रोना है, वो खुद बोलता है उसका क्रेडिट दूसरा को देता है तो तू पैदा उठाएगा ना। इसलिए मैं यहाँ का लोगों को बताता हूँ, कोई MLA कुछ नहीं करता, कोई MLA कुछ नहीं करता है तो आप खुद करता है, और इलेक्शन समय में आप ऐसे अच्छे आदमी को बनाए ताकि आपका हर काम में आ सके। ऐसे सिर्फ मुँह से बोलने वाला उसको नहीं बनाना है, तो बिरसा मुंडा तो खुद ने बनाया, लेकिन जो सेंक्शन जो दिया है मैं MLA था उनको पेवर किया, उनको मैं जूत नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका जैसे सिंगपो समाज का कितना सुंदर से ये ग्रांड सब समाज तो चाहता है मेरा भी हो, तो किसी को मदद करना तो गलत नहीं है जी सर। और ये रेशन कार्ड का, रेशन कार्ड का ये है, मैंने आपको पहले बोला है, मैं नाम लेगा तो मुझे दुख होगा, मैं सच को बता रहा हूँ, और जो लिया है वो सरेंडर किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आई डोंट थिंक वो लोग सरेंडर किया हुआ, करोड़पति लोग BPL रेशन कार्ड लेके बैठा है, तो गरीब को कहाँ से मिलेगा। मैंने कोशिश किया है उसका, मैंने BPL नहीं काटा, क्योंकि गवर्नमेंट से मांग के मैंने यहाँ का जितना गरीबों को जो सका मैंने बांटा है, हर समाज को, आदिवासी को सिर्फ नहीं, आपका सिंगपो समाज को भी दिया, नोक्ते समाज को दिया, तंगसा पोंता समाज को दिया, आदिवासी समाज को, सब समाज को इक्वल मैंने बात किया, जैसे पॉपुलेशन का बेस का मुताबिक उस हिसाब से मैंने बात बांटा है। ओके सर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत अहम रहेगा सर, खास करके जो बोडुमसा दायुन के लोगों के लिए है, और काफ़ी लोगों का अभी चर्चा ये चल रहा है कि अभी आने वाला चुनाव का बाद 2020 होगा, तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हाँ अगर मोसांग साहब जीतेगा तो हम लोग को खरसंग जाना पड़ेगा, चौना साहब का अगर कोई आदमी आएगा वो जीतेगा तो हमें लिकांग जाना पड़ेगा, तो आपका क्या है सर, कहाँ जाना पड़ेगा? और साथ ही साथ में लोगों का ये कहना है कि अगर आपका साथ में रहेगा, आप जीतेगा तो चकमा को साथ में लेना पड़ेगा, ऐसे टाइप से मतलब काफ़ी लोगों का अफवाह है, तो इसका ऊपर सर आपका क्या कहना है? क्योंकि डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अभी होने वाला है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड भी कर चुका है, और साथ ही साथ में अभी बोडुमसा दायुन में मोर देन सफिशिएंट वोटर्स है, 20,000 प्लस हो चुका है अभी, तो बोडुमसा खुद भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकता है, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना सर? देखिए अब्बाय तो बहुत चलता है, डिलिमिटेशन का सर्टेन नियम क्रिटेरिया होगा, वो क्रिटेरिया को तो ना आप तोड़ सकता मैं तोड़ सकता हूँ, आपने सही कहा है बोडुमसा सेल्फ सफिशियंट है बूथर्स में, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन गायब होने की, ये तो एक अब्बाय में बोलूँगा बनाया, मैं जिलों जान से कोशिश करूँगा कि बोडुमसा दायुन कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा ही रहे, क्यों दूसरा में जाएगा, दूसरा में जाएगा तो जो भी हो वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ का लोगों के लिए, यहाँ का बीडेट के लिए जो बैठेगा उनके लिए भी इंसल्टीज होगा, और मैं मुझे विश्वास नहीं वो हो पाएगा, क्योंकि यहाँ सफिशियंट है, यहाँ का हो सकता है किसी में बूथर लिस्ट कम है या एक दो बस्ती को उधर मिलाने के लिए ले सकता है, वो भी हम लोग नेगोशिएट करके नहीं निकालना है, हम लोग बोडुमसा दायुन अभी जितना सुंदर से यहाँ लोग बैठा हुआ है, सारा भारत का लोग एक साथ बैठा हुआ है, हेडेड बाय सिंगपो समाज, हम तो उसको तारीफ करता हूँ, और मैं खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मुझे विधायक बन के काम करने का मौका दिया। ओके सर, सर यही क्वेश्चन को फिर थोड़ा खींचते हैं सर, जैसे कि अभी डिलिमिटेशन होने के बाद लेकिन चांसेस तो ये आ जाता है कि बोडुमसा का अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, दायुन का अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर सर इस बार आप 2024 के चुनाव में, आप इलेक्शन 2029 में आप कहाँ से उठना चाहेगा, बोडुमसा से या दायुन से? देखिए मैं तो बोडुमसा दायुन, मेरे बोडुमसा ही है, बोडुमसा से ही मैं उठूँगा, और दायुन भी बोडुमसा में ही रहेगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ दायुन बोडुमसा को अलग नहीं होगा। और सर और लोगों का ये भी कहना है कि हाँ कमिंग साहब दायुन में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं वहाँ, क्योंकि APSC कम है, नॉन ट्राइबल ज़्यादा है, तो आने वाले दिनों में कमिंग साहब दायुन से ही कॉन्टेस्ट करेंगे बोल के काफ़ी लोगों का ये अभी चल रहा है सर, पूरा बाज़ार में यही चल रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये चला रहा है? यही तो रोना है इस ये एरिया में ना, ये एक रोना है या हंसना भी आप बोलिए, जिस बात को करना चाहिए लोग यहाँ का करते नहीं हैं, जिस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए उसको अपना लेते रहे,
मैंने क्या बोलेंगे, ये दुख का बात है, आप दुर्भाग्य भी बोलिए, ये तो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं है जी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी बोले प्रभु उसे बुद्धि और ज्ञान दे। यहाँ जो एलोटमेंट जो अप्लाई करने वाला मेरा और कर्ज बोल के नहीं है, बोरदुमसा का भाई लोगों ने अप्लाई किया, आपका सिंगपो समाज से अप्लाई किया, तंगसा समाज से अप्लाई किया, सब समाज से अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनका विधायक होने का नाते सर आप मदद करो, आप बोलेगा आपको भी मदद करेगा। मेरा ड्यूटी बनता है कि सबको उठाना है, सबको मौका देना है कि आगे बढ़ने देने के लिए। और एलोटमेंट तो उसको उससे लिया जाता है जो गवर्नमेंट का मिति को, तो जो गवर्नमेंट का मिति से तो एलोटमेंट लेगा, आपका प्राइवेट लैंड को तो एलोटमेंट गवर्नमेंट देगा नहीं क्योंकि आप एलो करेगा नहीं। तो जिस चीज़ को गवर्नमेंट को सरेंडर करता है, जिस मिति को पब्लिक दे देता है, उसमें से कुछ बिजनेस करने के लिए अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एलोटमेंट दिया जाता है। तो यहाँ का जितना भी आप चेक कीजिए, मेरा नाम नहीं है, हर समाज का है, सिंगपो समाज का है, नुक्ते समाज का है, तंगसा समाज का है, पोंताई समाज का है, वो तो मैं किया ही नहीं है। यहाँ का लोग आपको अपना चीज़ को मांगने में अगर कोई आपको दुख करता है तो क्या कर सकता है, उसके लिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा। आपका राइट बनता है आपको मिलने के लिए, आपका कोई चिन्हने से एक विधायक होने का नाते आपको बचाने नहीं सका, तो मेरा आई एम एंसरेबल, मेरा लोगों का चिन्ह दे के आप MLA बन गए। मैंने आपका सामान को आपको दिलाया, मैं तो दिया नहीं, वो लोग अप्लाई कराए थे मिल मांगने के लिए, गवर्नमेंट ने एलोटमेंट दिया जन्म देख के, बस इतना ही है सर। तो जाते जाते आखिरी क्वेश्चन रखना चाहूँगा सर। सर अभी आज तो आपका काम शुरू हो गया है, आपका काफ़ी लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो आने वाले दिनों में सर अगर आपका मैनिफेस्टो आपका इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, वो सर लोग जानना चाहते हैं उसको आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, यहाँ का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी होगा, यहाँ का जितना भी बेनिफिशरीज है जैसे भी बनाएगा अकॉर्डिंगली, जब हम लोग पब्लिक मैंडेट देगा, सब हम लोग का मैनिफेस्टो को एग्री करके हम लोग हमें विधायक बना देगा, जिता देगा, तो वही जो मैनिफेस्टो बनाया समाज का लोग लीडर, वो लोग बैठ के प्लानिंग भी करेगा, डेवलपमेंटल प्लानिंग भी करेगा, अपना अपना समाज के लिए, अपना अपना बस्ती के लिए वो लोग करेगा। हाँ, एज ए विधायक उस वो मीटिंग को हम प्रेसाइड ओवर करेगा। तो इसलिए हम लोग सब ये अरुणाचल में अभी तक हुआ नहीं है, शायद इंडिया में नहीं है, मैं यहाँ में वो करने जा रहा हूँ, ताकि आप मालिक है, आप खुद अपना सामान को आप खुद काम करना है और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करना है, ताकि किसी को ब्लेम ना हो, आज तक ये लीडर ने ये नहीं किया, वो लीडर ने नहीं किया, वो होना नहीं चाहिए। आप खुद काम कीजिए, खुद बातिए और खुद इंजॉय कीजिए, ये मेरा ये नया चीज़ हम करने जा रहा है बोरदुमसा दाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लोगों के लिए। तो ये थे जो कि MLA के उम्मीदवार निक कमिंग साहब, जो कि आज वन ऑन वन इंटरव्यू अरुणाचल प्रदेश के साथ दिए हैं। तो इसी